गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका अग्रवाल फ्रॉम GGSS हिसार। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि प्लस वन में ही नहीं बल्कि आप जब जब अकाउंट्स का काम करते हैं तो ये हमेशा आपको काम आएगा। ये किस्म से आपका बेस है, चाहे आप प्लस टू के बाद BCom करें, BBA करें, CA करें, CS करें, MCom करें, कुछ भी करें, ये आपको आना चाहिए। तो इसलिए समझ सकते हैं ना आप इसकी इम्पोर्टेंस को। तो चलिए बच्चों, आज और इतना टफ भी नहीं है ये चैप्टर, जैसा कि आप अपना पिछला अब तक पढ़ते आए हो उसी में से ये रिलेटेड है, उसी में से छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर है, जो आपने अब तक चीजें सीखी हैं उसी को एक किस्म से समराइज किया गया है। तो इसलिए डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो आइए लेट अस स्टार्ट। देखिए, जैसा कि इसके नाम से है, ये हमारा क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, वित्तीय विवरण। अब वित्तीय विवरण हमारे क्या चीज होते हैं, वित्तीय विवरण बच्चों हमारे होते हैं जो एक अंतिम खाते भी जिन्हें हम बोलते हैं। जैसा कि मैं एक आपको इससे लेकर चलती हूँ यहाँ पे, कि आपको एक पता चलेगा, एक हमारा होता है बच्चों अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड हमारा क्या है, क्योंकि अगर आपको अकाउंटिंग पीरियड नहीं पता होगा तो आप स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, है ना। अकाउंटिंग पीरियड आपने सेकेंड चैप्टर में किया होगा कि एक लेखांकन अवधि हमारा, वैसे तो क्या होता है, साल कब स्टार्ट होता है, हमारा साल बच्चों स्टार्ट होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, जो जनरली हम बोलते हैं, लेकिन ये हमारा क्या है, कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर के अकॉर्डिंग ईयर है। जब हम अकाउंट्स का काम करते हैं तो अकाउंट्स में हमारा क्या चीज आ जाती है, अकाउंट्स में बच्चों हमारा होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो भी है ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो साल था, ठीक है, अब आपका साल सेशन कहां से स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल। अब जो हमारे अगर हम खाते बनाएंगे बच्चों, तो वो कहां से बनाएंगे, 1 अप्रैल 2020 चल रहा है, 2020 से लेकर ये कहां तक चलेगा हमारा, 31 मार्च 2021 तक। इसका मतलब जो पहले वाला होगा वो हमारा कहां तक था, 2019 से लेकर 2020 तक होगा, ठीक है। तो अब जो ये एक लेखांकन अवधि है हमारी, ये कितने महीने की हुई, 12 महीने की, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमारा पीरियड बच्चों हुआ एक 12 मंथ्स का। कैलेंडर ईयर भी 12 महीने का होता है, लेकिन वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का है, जबकि ये हमारा क्या है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। तो जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे को क्या लाभ हुआ, क्या हानि हो। अगर हमें नुकसान पे नुकसान चले जा रहा है तो हम वो बिजनेस नहीं करना चाहेंगे। पूरे साल के बाद हर इंसान जाना चाहता है कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, ताकि मुझे पता चल सके अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं और अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊं, वो चीज भी वो जानना चाहता है। तो इसके लिए फिर हम क्या बनाते हैं, हमारी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक किस्म से वो हमारी क्या करती है, ये देखिए, जो इसकी जॉन एंड मायर ने एक डेफिनेशन भी दे रखी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड ए समरी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज, कि एक किस्म से एक व्यवसाय की जो ये है, एक समरी वे में बताता है, एक संक्षिप्त रूप में पूरे साल का इसमें लिखा जोखा होता है। दो चीजें बच्चों इसमें बनाई जाती हैं, कौन कौन सी बनाई जाती हैं, अकाउंटिंग पीरियड आपको पता चल चुका है, ठीक है। इसमें हम दो तरीके की अपनी स्टेटमेंट्स बनाएंगे, एक होती है हमारी अकाउंटिंग, इसमें होती है इनकम स्टेटमेंट। देखिए, अगर हम ये कहें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट, दूसरी होती है हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये जो है हमारी इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, ये हमारे कहलाते हैं आय विवरण। आय के बारे में हमें बताया जाता है इसमें, और ये होते हैं हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन,
जो हमारी वित्तीय स्थिति को एक प्रकट करते हैं। अब चलिए वापस चलते हैं हम ऊपर की तरफ ही, उसमें क्या कहता है, दोबारा से हम इस चीज को करने की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक बिजनेस एंटरप्राइज के अकाउंट्स की समराइज है। ये जो हमारी बनाई जाती है बैलेंस शीट, इसमें हम बनाते हैं बैलेंस शीट जो कि किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है, एसेट्स को, लायबिलिटीज को और कैपिटल को। अब चलिए आपको ये पता है कि एसेट्स हमारी क्या होती है, एसेट्स में जो हमारी क्या चीज होती है, जो कंपनी के पास संपत्तियां हैं जिनको बेचकर कंपनी के पास पैसा आ सकता है, लाइक जैसे कि हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है ना, भूमि है, भवन है, फर्नीचर है, मशीनरी है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या चीजें हैं, संपत्तियां हैं ये हमारी। तो हमें इनको बारे में कि हमें ये बताती किससे पता चलता है, हमें ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से पता चलता है। लायबिलिटीज क्या है हमारी, लायबिलिटीज होती है हमारी जो हमने बाहर वालों को पे पैसा करना है, वो हमारी क्या है लायबिलिटीज। मींस कि जो बिजनेसमैन है उसको पैसा ना देकर अगर हमने बाहर वालों को पैसा देना है, दैट इज लायबिलिटीज। जैसे कि जिसे हम क्या कह सकते हैं, क्रेडिटर्स, जिससे हमने उधार माल खरीदा था, और इसे हिंदी में आप क्या कहते हैं, लेनदार आप इसको कह सकते हैं। नाम वैसे लेनदार है लेकिन ये हमने इनसे पैसा, हमने इनको पैसा देना है, ठीक है। कोई भी डिबेंचर्स वगैरह हैं जिनके हमने पैसा उठाया हुआ है, लोन लिया हुआ है, तो वो सारी की सारी हमारी क्या चीजें हैं, लायबिलिटीज हैं। कैपिटल हमारी क्या है, जो व्यवसाय के स्वामी ने पैसा लगाया हुआ है तो वो हमारी क्या होती है, कैपिटल। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, ये एक पर्टिकुलर डेट पर, इसमें एक सर्टेन डेट को ये बनाई जाती है, उसमें आपको पता चल जाता है कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है और फिर हमारा कैपिटल कितनी है। ये सब हमें किससे पता चल रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। अब जैसे कि देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि आपका अकाउंटिंग पीरियड कौन सा था, आपका जो अकाउंटिंग पीरियड था वो 1 अप्रैल से लेकर कितना है, 31 मार्च तक का। तो इसका मतलब आप ये जो स्टेटमेंट बना रहे हैं फाइनेंशियल पोजीशन की, ये किस डेट को बना रहे हैं आप, 31 मार्च को, एट द एंड ऑफ द ईयर आप बनाते हैं। अक्सर आप इसको एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं, चाहे तो आप बीच में भी कभी भी बना सकते हैं, आपको उसी डेट की पता चल जाएंगी कि एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, कैपिटल कितनी है, क्योंकि एक सर्टेन डेट को जिस दिन डेट बना रहे हैं उसी दिन की डेट का, उस दिन हमारी इनकी क्या वैल्यू है हम वो देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हमारा क्या चीज आती है, ये एक सर्टेन पीरियड पे है, यहाँ पे क्या है, ये एक सर्टेन डेट थी ना, और इनकम स्टेटमेंट जो हमारा क्या है, वो एक सर्टेन पीरियड के लिए है, एक फिक्स पीरियड के लिए। जैसे कि देखिए कि यहां से जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा था वो था 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने का ये एक पीरियड है। तो 12 महीने का जो ये पीरियड है, आप इसमें देखिए, यहाँ पे आपको पता चल रहा है, तो इसमें जितने भी खर्चे आएंगे, जितनी भी इनकम आएंगी, वो आपकी पूरी की पूरी 12 महीने की जो इनकम है उससे रिलेटेड आएंगी, उसके उसमें आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है। और ये एक किस्म से जो भी हमारे बिजनेस के जो काम हुए हैं, जो भी ऑपरेशन है एक इस पीरियड के दौरान, जो भी हमारा जिस साल का भी है, कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो एक सर्टेन पीरियड है, उसके जो भी आप दिखाते हैं वो हमारे किस में आ जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट में। तो इनकम स्टेटमेंट में हमारा ये एक पूरे साल का जो दिखाया जाता है, और इसके अंदर फर्दर दो आगे फिर बनते हैं अकाउंट्स, कौन कौन से हैं वो अकाउंट्स हमारे, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, व्यापारिक खाता। दूसरा होता है, इसमें एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारा इसमें हम बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ यही दो स्टेटमेंट्स आती हैं, इसके अलावा नहीं बनती है। आजकल इसमें कैश फ्लो वगैरह और भी चीजें आते हैं, लेकिन जनरली जो चलता है ना वो यही तीन चीजें चलती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कौन है, ये इनकम स्टेटमेंट है, जबकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में जो आप बनाते हैं दैट इज बैलेंस शीट, ठीक है।
ये आप तीन चीजें बनाते हैं और इन तीनों चीजों को मिलाकर आप इनको क्या भी कह सकते हैं, आप इन्हें कह सकते हैं फाइनल अकाउंट्स। ये हमारे अंतिम खाते होते हैं, इन्हें हम फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। तो ये है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए अब हमारा जो आता है वो हमारा यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी हमारे यूजर हैं, कौन कौन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन है हमारा, दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अब इसमें हमारा क्या करती है बच्चों, प्रबंध, जो मेन जानना चाहता है क्यों उसे तो डिसीजन लेने हैं कंपनी की। अगर उसे प्रॉफिटेबिलिटी का नहीं पता चलेगा कि कंपनी में कितने प्रॉफिट्स हुए हैं, अगर नुकसान लगा है तो क्यों लगा है, पिछले साल के प्रॉफिट्स कितने थे, अब कितने प्रॉफिट्स हैं, अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम आगे अपनी कंपनी को और आगे कैसे सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे। तो सक्सेस की तरफ जाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को देखें, सही टाइम पर हम सही अपने डिसीजंस लें। और वो सब हमें किस चीज से पता चलता है, वो सब हमें पता चलता है बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें पता चलता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे अंतिम खाते हैं। उनसे हमें कंपनी की लाभप्रदता का पता चल जाता है कि एट द एंड या जो एक साल है हमारा उसमें कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। अभी आपको ये थ्योरेटिकल समझ में आ रहा है, उसके बाद जब आप इनको बनाना सीखेंगे तो आपको अच्छे से और पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये प्रॉफिट को निकालता है और किस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो इसका यूज करती है। दूसरा आता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं बच्चों, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं विनियोक्ता। अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं, जिसने पैसा लगाया है वो तो जानना चाहेगा ना कि उसका पैसा सेफ है या नहीं है, कल को वो पैसा वापस मिल भी जाएगा या नहीं जाएगा। इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है ताकि उसे अच्छा लाभांश मिले, तो लाभांश का पता कहां से चलेगा, पता चलेगा हमारा उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फिर आते हैं हमारे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। दो तरीके के हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होते हैं, एक होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। शॉर्ट टर्म होते हैं एक साल तक के पीरियड के लिए, जिनको हमने एक साल में पैसा वापस देना है, दैट इज शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। जबकि लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हमारे कौन से हैं, जिनको हमने लंबे टाइम तक पैसा दिया। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स जनरली होते हैं जिसे हमने माल खरीदा उनको हम पैसा देंगे, हमारी कोई वेजेस है उनके लिए हम पैसा देंगे, तो वो सारा का सारा हमारा क्या हो जाता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स आ जाता है। जबकि लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स जो लंबे टाइम के लिए, जिनसे हमने पैसा लिया था लंबे टाइम में हमें चुकाना है। अब इन दोनों को फाइनल अकाउंट्स की क्या जरूरत है, जानना तो पड़ेगा ना उन्हें भी, क्योंकि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो किससे पता चल रहा है, वो हमें पता चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी लाभ में चलेगी तभी तो लोगों का पैसा देगी, अगर कंपनी को हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है तो पैसा कहां से देगी। तो हर कोई ये जानना चाहता है कि उनका पैसा सेफ है या फिर नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाता है इम्प्लॉइज एंड ट्रेड यूनियंस। अब भाई इम्प्लॉइज और ट्रेड यूनियंस को क्या चाहिए, देखिए सिंपल सी बात है, इम्प्लॉइज क्या चाहता है, काम करने वाला ही चाहता है कि मेरी सैलरी बढ़े। अब वो अपनी अगर सैलरी बढ़ाना चाह रहा है तो कैसे पता चलेगा, अगर बिजनेस एक सक्सेस है, उसको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो नो डाउट वो कल को अपने कर्मचारियों को बोनस भी देगा, सैलरी भी बढ़ाएगा, है ना। लेकिन जबकि अगर वो नुकसान में चल रहा है तो वो नहीं करेगा, तो अब इसे पता कहां से चलेगा कि फायदे में चल रहा है नुकसान में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू पता चलेगा। तो ये भी इसके एक बहुत बड़े यूजर हैं। इसी तरह से सरकार। अब सरकार को क्या लेना देना है भाई, सरकार को भी तो लेना देना है, सरकार लोन पे छूट दे रही है आपको, कोई और बेनिफिट्स दे रही है ना, वो चीजें सरकार को देखनी है कि ये जो बिजनेस है ये सही चल रहा है, जो अगर सरकार ने कोई सब्सिडी वगैरह दी हुई है उनका पैसा भी वो सही ढंग से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलाते हैं। इसी तरीके से एक लास्ट यूजर और है जो है टैक्सेशन अथॉरिटीज। टैक्सेशन अथॉरिटीज हमारी क्या करती है, कर के बारे में बताती है कि कंपनी कितना टैक्स लगाएगी, कंपनी को कितना टैक्स पे करना है। ठीक है, तो वो टैक्सेशन अथॉरिटीज भी चेक करती है कि कंपनी की जितनी इनकम है क्या कंपनी ने सही इनकम शो की, क्या कंपनी जो सही पैसा है टैक्स का वो गवर्नमेंट को दे रही है या नहीं दे रही है, ये सब भी तो देखना पड़ता है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो टैक्स की चोरी भी करते हैं,
जबकि सरकार ही नहीं चाहती कि कोई पैसा उसको चोरी करे, चोरी करना गलत बात है। तो यहाँ पे वो लोग इनकी स्टेटमेंट्स को देखकर पता लगाते हैं कि कितनी इनकम है, कितना ये टैक्स दे रहे हैं। तो इसके लिए ये भी इसके क्या है, एक मेन यूजर है। तो आपने देखा होगा कि जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंट्रोडक्शन दी गई थी कि क्या होता है वो, फिर हमने इनके यूजर्स देखे कि कौन कौन इसके यूजर हैं। आपने देखा कि हर कोई किस चीज से पता लगा रहा है, सब कुछ इन्हीं से पता लगा रहा है। अब तक आपने बच्चों क्या पढ़ा था, जर्नल पढ़ा जिसमें आपने एक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री सबसे पहले एंट्रीज की, फिर आपने क्या किया, लेजर बनाया है ना, खाता बही में अलग अलग उसको कर दिया, उसके बाद आपने उनके बैलेंसेस निकाल के ट्रायल बैलेंस बना दिया। लेकिन कहीं से भी ये पता नहीं चल रहा था आपको कि कितना लाभ है कितना हानि है, एक समराइज भी नहीं मिल रहा था। तो समराइज वे कहां जाके मिलता है, वो मिलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलता है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अब वन बाय वन हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करेंगे। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहली हमारी क्या थी, पहली हमारी थी इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट्स में हम दो तरीके के स्टेटमेंट बनाते हैं, पहला क्या है हमारा आता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब हम इनके वन बाय वन पे बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ। ट्रेडिंग अकाउंट को बच्चों हिंदी में कहा जाता है व्यापारिक खाता, व्यापारिक खाता। अब ये व्यापारिक खाता क्या है, एक किस्म से हम इसको गुड्स अकाउंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी जितनी भी हमारे पास माल है जो हमने खरीदा जो हमने बेचा, उस माल को फैक्ट्री तक लाने के खर्चे, ठीक है, या हमने कोई माल खरीद कर वापस कर दिया, सेल्स जो हमारी है, कोई हमारी सेल वापस आ गई है, अंत में हमारे पास कितना माल बचा, सारे का सारा इसमें हम गुड्स से रिलेटेड अपनी आइटम्स को लिखते हैं। तो इसलिए इस अकाउंट को कई बार हम क्या भी कह देते हैं, एक किस्म से ये हमारा गुड्स अकाउंट भी हो सकता है। देखिए बार्टली पाई ने इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन दी है, वो बताते हैं द ट्रेडिंग अकाउंट शोज द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। वो क्या बता रहे हैं कि जो हमारा व्यापारिक खाता है वो हमें बताता है गुड्स की खरीदने के लिए जितनी हमने खरीदी है बेची है, इन सब का वो ब्यौरा देता है। इन प्रिपेयरिंग द अकाउंट जनरल एस्टिब्लिशमेंट चार्जेस आर इग्नोर्ड, जो भी हमारे इसको स्थापित करने के खर्चे उन्हें हम नहीं लेते, ठीक है। हम क्या लेते हैं, सिर्फ ओनली द ट्रांजेक्शन्स इन गुड्स आर इंक्लूडेड, सिर्फ हम वही ट्रांजेक्शन लेते हैं जिसमें हमारी गुड्स शामिल हैं। यही वजह है कि हम इसको क्या भी कह सकते हैं, हमारा एक किस्म से ये गुड्स अकाउंट भी हो जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो किससे रिलेटेड होती है, हमारी गुड्स से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो ये पता चला आपको कि ट्रेडिंग अकाउंट हमारा क्या होता है। हम अब इसका करते हैं परफॉर्मा, कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। बात तो आती है कि इसकी जरूरत की भी, कि इसकी जरूरत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन जब अगर आपको ये पता होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, किस तरीके से इसमें कैलकुलेशन होती है, तो आपको वो चीजें ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगी। तो हम एक बार मोटा मोटा ऊपरी तौर पर हम करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट हम किस तरीके से बनाते हैं। तो यहां पे सबसे पहले लिखा जाता है ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, ऑन जो भी आपका 31 मार्च जो भी आपकी डेट है उस तक ही हो जाता है। फिर उसके बाद यहां पे आपके कॉलम बनेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब आप कहेंगे कि जब हम खाते बनाते थे, जब हम लेजर बनाते थे, तो वहां पर हम एक डेट का कॉलम भी बनाते थे ना। डेट का कॉलम हम क्यों बनाते थे, क्योंकि हम अपनी डेट वाइज एंट्री करते थे, वहां से लेकर आते थे। लेकिन क्योंकि जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो आप किससे बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस से बना रहे, तो इसलिए यहाँ पे डेट के कॉलम की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरे साल की एंट्रीज हम ले रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड में। दूसरी बात क्या चीज है, वहां पे हम एक
एलएफ का कॉलम भी बनाते थे, लेजर फोलियो या जेएफ जर्नल फोलियो, है ना। जेएफ बनाते थे हम, एलएफ बनाते थे जर्नल में, और जेएफ बनाते थे हम अकाउंट में। लेकिन उसकी भी यहाँ पे नीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो आप इसको लेजर से बना रहे हैं, ना आप इसको जर्नल से बना रहे हैं। आप इसको किससे बना रहे हैं? ट्रायल बैलेंस से बना रहे हैं। तो ट्रायल बैलेंस से बनाने के लिए हमें यहाँ पे वो भी चीज दिखाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी फिर हमारे पास इसमें क्या चीज आ जाती है? पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट आपके एज इट इज चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या चीज ली जाती है? सबसे पहले इसमें लिया जाता है टू ओपनिंग स्टॉक, कि साल के शुरू में हमारे पास कितना स्टॉक है वो आप यहां पे लिख देते हैं। तो पहली आइटम आपको पता चल गई। दूसरी चीज अब आप यहां पे क्या लेते हैं? टू परचेजेस, जितनी भी आपने साल के बीच में परचेजेस करी है। लेकिन इसमें से आप परचेज रिटर्न जो है ना वो लेस कर देते हो। अब ये परचेज रिटर्न क्या है? जो आपने माल खरीदा था, हो सकता है कि कुछ माल उसमें से खराब हो या आपको सूट नहीं कर रहा है, तो आप उसे वो वापस कर देते हैं, दैट इज परचेज रिटर्न। हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में नेट अमाउंट लिखते हैं परचेजेस का, कि टोटल परचेजेस में से जितनी परचेज रिटर्न है उसको आप लेस कर दीजिए और बाकी का आप यहाँ पे लिख दीजिए। इतना ही आप इसमें करते हैं। हाँ, एक चक्कर आपको जरूर पड़ता है, क्योंकि परचेज रिटर्न के नाम कहीं हो जाते हैं तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो माल वापस कर रहे हैं आप, बाहर जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिटर्न, आउटवर्ड्स भी कह सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको ये नाम तो पता है लेकिन ये नाम नहीं पता, पेपर में आपके पास ये नाम आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे करें, हमें तो कराया नहीं गया। तो आपको दोनों नाम पता होने चाहिए। तो आपने इन परचेजेस में से जब ये परचेज रिटर्न लेस कर दी, उसके बाद जो भी आया उसको आपने कहां लिख दिया? यहां पर लिख दिया। इधर परचेजेस आए हैं तो ऑपोजिट साइड में आपके पास क्या चला जाएगा? बाय सेल्स। सेल्स में से भी आप क्या करेंगे? लेस सेल्स रिटर्न, कि कोई भी अगर आपने सेल की वापसी की है तो वो भी आपको लेस करनी होगी। अब सेल्स रिटर्न का भी एक और नाम है, क्या नाम है? रिटर्न इनवॉइस। इसको हम इनवॉइस भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हमने माल बाहर बेचा था जब वो वापस आएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रिटर्न इनवॉइस हो जाएगा। अब देखिए, पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज किधर आ रही है? क्योंकि जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमारा बच्चों क्या होता है, ये अकाउंट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का रूल आप लोगों को बताया गया था, क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम, क्या है, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहां पे इसलिए क्योंकि खर्चे हैं हमारे परचेजेस वगैरह, स्टॉक जो शुरुआत में था, है ना, वो हमारे खर्चे, तो इसलिए यहाँ पे सारा का सारा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेबिट में लेकर आते हैं, जबकि ये हमारी क्या है? इनकम है, पैसा हमारे पास आ रहा है, तो इसको हम इसको क्या करते हैं? क्रेडिट में दिखाते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या आती है? बाय क्लोजिंग स्टॉक, कि साल के एंड में हमारे पास कितना स्टॉक बचा है वो भी हमारा कहाँ आ जाता है? यहीं पर आता है। अब उसके अलावा एक चीज और हमारी आती है, वो आती है बच्चों टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हमारे पास आ गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। अभी इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम डिटेल में करेंगे कि और क्या क्या चीजें इनमें इंक्लूड होती हैं। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि ये आपकी क्या थी? डेबिट साइड। ये आपकी क्या है? क्रेडिट साइड। आपको ध्यान होगा कि आप हमेशा हर अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं, और बैलेंसिंग करते हुए आप देखेंगे कि क्रेडिट साइड का अगर टोटल ज्यादा है, ठीक है, इसका एक्सपेंसेस का कम है, तो बैलेंस किधर आएगा? इस तरफ आएगा ना। उसे हम क्या बोलते हैं? टू ग्रोस प्रॉफिट, क्योंकि उसको हमने आगे लेकर जाना है तो कैरी डाउन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ग्रोस प्रॉफिट आ गया, क्योंकि अगर हमारी इनकम ज्यादा है बजाय किसके? लॉसेस के। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा, और फिर आप दोनों तरफ का जो बैलेंस है वो बराबर कर दोगे। और अगर इन केस आपके पास ये नहीं है, ये ग्रोस प्रॉफिट नहीं है, तो आपके पास फिर क्या आएगा? यहां फिर आप दिखाएंगे बाय ग्रोस लॉस सीडी।
अगर आपकी लोस वाली आइटम्स ज्यादा है तो आप फिर जो खर्चे अगर आपके ज्यादा है तो वहां पे ग्रोस लोस हो जाएगा, जिसको आप ना क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और फिर इसका ये बैलेंस हो जाएगा। और फिर क्योंकि अकाउंट का आपको मेन एक चीज पता है कि ये दोनों ही तरफ आपकी क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है, बैलेंस हमेशा आपका इक्वल होना चाहिए तभी आपका काम होता है, वरना आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था हमारा किस्म से ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें मेन आप बहुत चक्कर में पड़ जाते हैं कि बहुत सारी आइटम्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे अब जैसा कि ओपनिंग स्टॉक की जो साल के शुरू में था, परचेजेस, ठीक है, परचेज जो हमने माल खरीदा, परचेज रिटर्न जो हमने माल वापस किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात आती है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष खर्चे भी कहते हैं, जो हमारे माल फैक्ट्री तक हम ला रहे हैं, ठीक है, उसमें माल का जो हमने खरीदा माल और उसको लाने का खर्चा भी है, जो माल बनाने में आप यूज कर रहे हैं, वो खर्चे भी आपके क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसी तरह से जैसे कि आपके यहाँ पे जगह की शॉर्टेज है, तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपके इन चीजों को, जैसे कि क्या है, कॉइल, गैस, फ्यूल, है ना, पावर, ठीक है, फैक्ट्री के जो भी आपके खर्चे हैं, फैक्ट्री लाइटिंग, ये सब चीजें आपके आ जाते हैं। डॉक चार्जेस आ जाते हैं आपके, जैसे कि क्या है कि बंदरगाह के खर्चे होते हैं, कि बंदरगाह पे माल क्या जो आ रहा है जा रहा है, तो उस चीज के जो भी आपके खर्चे होते हैं वो सारी चीज आ जाती है। लेकिन हाँ, ध्यान क्या रखना है आपको, जो ऑफिस के खर्चे हैं वो इसमें कभी भी नहीं आएंगे, वो कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब अगर जब आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट पता चल रहा है, अगर मैं कहूँ कि इसकी नीड क्या है, क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो आप उससे बता सकते हैं ना कि क्या, एक तो हम इससे अपना ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस का पता लगा सकते हैं, हमें क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पता चल सकता है, हमें हमारी टोटल सेल्स के बारे में पता चल सकता है ना, तीन चार चीजें। तो यहाँ पे चलिए अब हम इसको आगे बढ़ने से पहले एक बार इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ और ध्यान देते हैं। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट आता है, दैट इज नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, उसमें क्या क्या आइटम्स होती हैं, तो वहां से अब आप अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहली चीज हमने क्या निकाली थी कि टू नो ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस, या तो आप उसमें से ग्रोस प्रॉफिट निकलेगा, सकल लाभ जिसे आप कहते हैं, या फिर उसमें से किस चीज का पता चलता है, सकल हानि का पता चलता है। अभी निकाला था ना हमने कि अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा थी तो डेबिट कम था तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट था, लेकिन अगर डेबिट ज्यादा था और क्रेडिट कम था तो क्या था, हमारा ग्रोस लॉस था। दूसरी चीज यहाँ पे क्या पता चलती है हमें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में, कि हमें सारे के सारे प्रत्यक्ष खर्चों का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि सिर्फ हम लिखते कौन से हैं इसमें, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी ऑफिस से रिलेटेड है, जो भी एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस है, वो इसमें हम शो नहीं करते। एक और बेनिफिट भी इसमें क्या हो जाता है कि हम क्या करते हैं, जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक को हम पिछले सालों के क्लोजिंग स्टॉक से कंपेयर करते हैं, किस लिए, हम देखते हैं कि कितना हमारा माल रह रहा था, क्या हमारे का उसमें कोई कमी है, किस रीजन के कारण अगर इस बार हमारा स्टॉक ज्यादा बचा है। अगर वो रीजन हमें पता चल जाएंगे तो हम इन फ्यूचर उस चीज को अपना कम कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज कि प्रोडक्शन फ्रॉम लॉस, जो भी आपको लगता है संभावित हानि हो सकती है, आपको कोई नुकसान होने का डर है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो आप उसको भी टाइमली क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखा आपने कि यही इसकी क्या चीज थी, ये इसकी जरूरत भी है, ये इसका महत्व भी है। अगर आपको नीड आ जाती है तो भी आपको यही पॉइंट्स बताने हैं कि भाई हम अपना ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए इसको बनाते हैं, हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पता चलाने के लिए इसको बनाते हैं, ताकि हम अंतिम स्टॉक जो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसको पिछले सालों से कंपेयर कर सके, इसलिए हम इसे बनाते हैं, इसकी मदद से हम क्या अपना लॉस का कवर कर सकते हैं। ये थी नीड। अगर हमें इंपॉर्टेंस लिखनी है तो फिर आप क्या कहोगे कि इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ग्रोस प्रॉफिट पता चलता है, इससे हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ज्ञान हो जाता है, इससे हमें क्लोजिंग स्टॉक को मदद मिलती है कि हम पिछले सालों से उसको कंपेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ इससे हमें संभावित हानि से भी सुरक्षा प्राप्त होती है। तो मतलब पॉइंट्स वही हैं, सिर्फ उसको लिखने का जो तरीका है वो आपका अलग है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है और कुछ भी नहीं है।
ठीक है, तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट का एक बार फॉर्मेट अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि हम अपने नेक्स्ट उसमें क्या करने वाले हैं, हम नेक्स्ट में एक सम लेकर चलेंगे कि कैसे आप प्रैक्टिकली उन चीजों को करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।